जहां एक कोने में धूप और एक कोने में छांव आती है, अक्सर परेशानियां कुछ समय के लिए ढल जाती हैं। पुरानी यादें जब फिर ताजा हो जाती हैं और जहां नींद बड़ी सुकून की आती है, वो घर है शोजा। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊंगा शोजा में क्या क्या घूमने की जगहें हैं। जैसे पहली जगह घर 1964। अरे 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 भाई, ये मेरा चैनल है, मुझे बताने दो आइटिनरीज के बारे में। तो ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखा है, इसका नाम है एक्सरसाइज है, मेरा दोस्त, मेरा फ्लैटमेट, जिसको मैंने शोजा के बारे में बताया। मैंने बताया कि मैं एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी एक्साइट हो गया। इसने कहा ये भी चलेगा, और इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया कि मेरे व्लॉग को इसने टेक ओवर कर लिया। हेलो गाइस, माय नेम इज वैभव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वैभव विस्तार से। इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स एंड लोकेशंस करने के बाद मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि कुछ ऐसी डेस्टिनेशन पर जाना है जो थोड़ी ऑफ बीट हो, जिसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा रॉ। तो मैंने सेलेक्ट करी ये डेस्टिनेशन जो कि है शोजा। शोजा बेसिकली एक छोटा सा गांव है हिमाचल प्रदेश में। इसका रास्ता कटता है ऑट से। आपको उतरना पड़ेगा ऑट, दिल्ली से आप बस ले सकते हैं, एंड देन ऑट से आप टैक्सी या लोकल बस लेके आप यहाँ शोजा पहुँचते हैं। काफ़ी ऑफबीट लोकेशन है, आने की रोड भी बनी नहीं हुई है, काफ़ी टाइम लगता है, एक डेढ़ घंटा लगता है मुझे ऑट से यहाँ पर आने में। रोड बहुत ही ख़राब है, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी मिल गया। सो जो प्लान ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपको अपकमिंग वीडियोस में और इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस जो आपको शोजा और जीभी में आके करने हैं और मिस आउट नहीं करने, जिससे कि आप इस लोकेशन को इसके ट्रूली रॉ फॉर्म में एक्सप्लोर कर पाओ और फील कर पाओ मेरी तरह। सो आज के लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शोजा को लोकली एक्सप्लोर करूँगा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सुंदर से कैफ़ेज़ हैं, उनको एक्सप्लोर करूँगा, लोकल खाना खाऊँगा, लोकल लोगों से मिलूँगा, बातें करूँगा। और हाँ, आपको अपने होटल के बारे में बताऊँगा जो मैंने यहाँ पे लिया है। बहुत ही सुंदर होटल है, मतलब बहुत दिनों बाद मैं ऐसी किसी डेस्टिनेशन पर आके रुका हूँ, और सीरियसली प्राइस भी बहुत कम है, तो मैं वो पूरा टूर दूंगा। एक्चुअली 15 घंटे का सफ़र करा मैंने दिल्ली से यहाँ तक का, तो इसके बाद मैं ज़्यादा हेक्टिक रखना नहीं चाहता था इस दिन को, तो आज थोड़ा सा चिल आउट रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपको शोजा में आके बहुत सारे टूरिस्ट मिलेंगे, बहुत सारे लग्जरी रिजॉर्ट्स मिलेंगे, खूब सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगी, तो आप गलत हो। आपको यहाँ पर मिलेगी पीस और खूब सारी खुशी, क्योंकि यहाँ की जो वाइब्स हैं वो बहुत ही अलग हैं। मैं बहुत सारे हिल स्टेशंस गया हूँ, लेकिन जो शोजा पे आके मुझे फीलिंग हुई है, एक छोटा सा गांव हिमाचल का, जहाँ पे धीरे धीरे कुछ कुछ कैफ़ेज़ बन रहे हैं, कुछ कुछ शॉप्स बन रही हैं, और यहाँ पे वो जो लोकल पुट है। अभी मैं एक कैफ़े में गया जिसका नाम था घर 1964। उसके ओनर से मैंने बात करी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैफ़े का नाम 1964 इसलिए रखा क्योंकि उनकी मदर का बर्थ ईयर 1964 था। उनकी मदर की मेमोरी को ऑनर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ रखी हैं, जैसे एक टाइपराइटर रखा है जिस पर आप खुद के लिए एक लेटर लिख सकते हो और वो आपको 2 महीने बाद डिलीवर हो जाएगा आपके घर के एड्रेस पर। बहुत अच्छी चीज़ थी वो, एंड हॉट चॉकलेट भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हॉट चॉकलेट थी। आई वुड रियली रिकमेंड इट। सो जिस होटल में मैं रुका हूँ उसका नाम है ओडिन हॉस्टल्स एंड कैफे। इस होटल में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे रुकने के। आपको अगर बंक बेड लेना है, आप सोलो ट्रैवलर हैं, तो उसका भी ऑप्शन है। उसका रेट रहता है 500 टू 600 रुपीस पर बेड, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। एंड दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है प्राइवेट रूम। प्राइवेट रूम की कॉस्ट रहती है 2000 रुपीस पर रूम, एंड इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न और कैसे आप नेगोशिएट करते हैं। ये ऑनलाइन भी बुक हो जाता है booking.com से, एंड अगर आप डायरेक्टली ओनर के थ्रू बुक कराना चाहते हैं तो मैं उनका नंबर यहाँ स्क्रीन पे लिख दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूंगा। बहुत अच्छा सा होटल है, बहुत अच्छा सा स्टे है। ये सिटिंग एरिया होता है हमारा, हर रूम के करस्पॉन्डिंग, प्राइवेट रूम के करस्पॉन्डिंग एक सिटिंग एरिया है। ऊपर वहाँ ट्री पे डेकोरेशन है एंड अच्छी सी वाइब्स है। दी हाईलाइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज़ दैट आपको बहुत ओपन स्पेस मिलेगा, आपको पीछे बहुत ही सुंदर सा व्यू मिलेगा, एंड आपको ये कैफ़े मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं। सो या मुझे तो बहुत मज़ा आई इस कैफ़े में स्टे करके, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट कि आप यहाँ पे रुकिए आके। शोजा में हमारा साथी जिमी, दूसरा जिमी। आज मैंने डिसाइड किया है कि शोजा को लोकली एक्सप्लोर करूंगा। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्वीट से क्या होता है भाई,